हे गाइस, देखो कुछ इंपॉर्टेंट खबर जो कल मार्केट ओपन होने से पहले देखना चाहिए। जैसे सर, इस कंपनी को तो आप जानते ही होंगे, वालपूल इंडिया, और ये आज 4-5% भागा है। पिछले 6 महीने में 60% भागा है, और पिछले 1 महीने में भी सर भागता हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअली सर, ये बॉटम के आजू बाजू देखने को मिल रहा था, जो कि लगभग 1200 के बाजू में देखने को मिल रहा था। उसके बाद इसमें काफ़ी बड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, जो कि 75% तो हो ही चुका है। लंबे समय में देखें तो ये गिरावट यहाँ पर देखने को मिला था सर। और आज कंपनी का था सर रिजल्ट, रिज़ल्ट इतना शानदार आया है, इतना शानदार आया है। देखो, बताया जा रहा है कि भाई 92% जंप इन क्वार्टर वन प्रॉफिट बताया जा रहा सर। स्ट्रॉन्ग डिमांड आपको देखने को मिल रहा है सर, इस कदर जो है कंपनी में रिजल्ट देखने को मिला है, और इसी की वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि कल के डेट में जब मार्केट ओपन होगा तो कंटिन्यू आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखते हैं रिज़ल्ट, तो सर बताया जा रहा है कि भाई जो सेल्स है वो 2039 करोड़ से 2497 मतलब 2500 करोड़ हो गया सर। और उसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% से सर लगभग 8% भी बढ़ गया, तो ये भी अच्छी बात हो गई सर यहाँ पर। और लगभग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर और पैसा लगाया है। कितना? 6.47% से 8.93%, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये कंपनी अच्छा लग रहा है। साथ में सर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इनके पास सर देख लीजिए कितना पैसा। सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर का क्या देखना है, इनके पास 12% से 33%। पूरी कंपनी तो सर इन्होंने खरीद रखा है, बाकी पब्लिक के पास सर केवल 8% हिस्सेदारी है। NBCC से शेयर में सर तेज़ी देखने को मिली यहाँ पर सर। लगभग जब मार्केट बंद होने वाला था तो वहाँ पर खबर आया कि भाई शेयर जो यहाँ पर देख सकते हो 7% भागता हुआ नजर आया। इसके पीछे जो रीज़न था, इसकी जो सब्सिडरी है सर, उसको लगभग 411 करोड़ का सर ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया सर यहाँ पर। इसी की वजह से जो है यहाँ पर तेज़ी देखने को मिला। ये जो प्रोजेक्ट देखने को मिला है ना सर महाराष्ट्र से, इसी की वजह से इसमें काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी सर उसी की हो गई ना। और ये बताया भी जा रहा है सर, होल्ड नहीं ओल्ड सब्सिडरी है सर, मतलब पूरा मतलब कंट्रोल जो है इसी कंपनी का है सर, NBCC का है। हो सकता है कि सर 100% इन्होंने स्टेक खरीद रखा हो। अब जब 100% स्टेक खरीद रखा होगा तो सर पूरा कंट्रोल इन्हीं के पास होगा। और सर अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है सर बार बार। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर देखोगे तो एक छोटी सी कंपनी को बार बार खरीदने की कोशिश कर रहा है सर। वो कौन सी कंपनी है आप देख सकते हो, इंडियन सीमेंट, ये देख सकते हो सर। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई अप्रूव परचेस 32.72%। कहाँ पर सर ये इतना बड़ा स्टेक खरीदना चाहता है? प्रमोटर तो बताया जा रहा है एसोसिएट इन द इंडियन सीमेंट। इंडियन सीमेंट में सर ये मेजोरिटी शेयर होल्डर पाना चाहता है, मतलब उस कंपनी के अंदर कंट्रोल करना चाहता है। और जब सर ये कंपनी 51% से ज़्यादा स्टेक खरीद लेगी तो बस समझो कि ये जो इंडियन सीमेंट वो कंपनी है सर, ये अल्ट्राटेक की ही हो गई अब ये समझो। अगर ऐसा हुआ तो इसके वजह से सर लगभग इंडियन सीमेंट का स्टॉक भी तेज़ी से भागता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं सर, तो ये भी एक अच्छी बात हो गई सर यहाँ पर। PCBL सर, ये कंपनी के बारे में तो आप जानते ही हैं, लंबे समय में इसने क्या पैसा बना कर दिया है वो तो पूछने वाली बात है नहीं सर। बहुत मोटा पैसा बना कर दिया है सर इसने, है कि नहीं है? केमिकल सेक्टर में एक कंपनी काम करती है। 6 घंटे पहले खबर आया है कि भाई देखिए PCBL प्रॉफिट में जंप 5 टाइम्स, 5 गुना भाई, 5 गुना इन नेक्स्ट 5 ईयर। बताया जा रहा है कि भाई 2500 करोड़ देखने को मिल रहा है सर। इस कदर लगभग जो है ये केमिकल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर, तो एक्सपोर्ट का मानना है इस कदर कि भाई ये कंपनी का प्रॉफिट 5 गुना हो सकता है। अब जब कंपनी का प्रॉफिट 5 गुना हो सकता है तो सर कंपनी का शेयर का प्राइस कितने गुना होगा, सोच लो बस अब सोच लो सर। और वो भी केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है। बहुत सारे केमिकल वाले स्टॉक गिरे हुए हैं, जैसे आरती इंडस्ट्री हो गया, चैमकॉन हो गया, बालाजी अमाइंस हो गया, एल्केलामिन्स आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे कंपनियां गिरे हुए सर, लेकिन ये तो भागने के फेर में है। IDFC सर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जहाँ पर बोला जा रहा है IDFC फर्स्ट बैंक टू रिड्यूस द मिनिमम अमाउंट ड्यू टू, यहाँ देख सकते हो क्रेडिट कार्ड पेमेंट फ्रॉम अगस्त। देख सकते हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत लगभग जो है स्केरी डिसीजन लेना पड़ता है सर। और एक कंपनी है जिसको 4909 बिलियन ऑर्डर देखने को मिला सर, जो ऑर्डर बुक आपको देखने को मिला सर। ये ऑर्डर बुक किस किस चीज़ के लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो, बताया जा रहा है कंपनी सिक्योर मल्टीपल ऑर्डर, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है सर जो हर जगह से कंपनी ने अक्वायर कर रखा है सर। इस तरीके से कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और उस कंपनी का नाम है सर लार्सन & टुब्रो, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसके पास सर लगभग 5 लाख करोड़ का ऑर्डर है, 5 लाख करोड़। RVNL के पास कितना है सर? 80,000 करोड़ का ऑर्डर होगा, उससे भी लगभग 5 गुना ज़्यादा ऑर्डर बुक है सर उसके पास।
केवल 3 घंटे पहले खबर आई है सर, केवल 3 घंटे पहले, जहां पर बताया जा रहा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो प्रोजेक्ट है कैपेक्स फ्रॉम बताया जा रहा 2 लाख करोड़ बाय 2032 सर। तो जो लोग लंबे समय तक रुकने वाले हैं सर, उनको तो बहुत मोटा पैसा लेकिन मिलने वाला है सर। तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा कुछ खास, लेकिन लंबे समय में देख लीजिए कितना बोला जा रहा है सर, 2 लाख करोड़ बाय 2032। तो जो लोग सर 5 साल 10 साल रुकते हैं वो पैसा बना लेते हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म में लगे रहते हैं सर वो कुछ नहीं कर पाते हैं सर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।